Valkyrie Biker. हेलो बाइकर्स, वेलकारी बाइकर की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज का एडवेंचर चलो देखते हैं मेरी साथ, मेरी होंडा CBR 650 आर के साथ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो यस, ये है विजय, इसका आईडी मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो एक ही बंदा है पुणे में जिसको मैं ट्रस्ट करती हूँ मेरी बाइक ले लेके। ये वो गैरेज गाय हैं जो बचपन से सुपर बाइक्स बना रहे हैं। सो अगर मेरी बाइक में कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है, सर्विसिंग है, डिटेलिंग है, या इवन एक छोटा भी काम है जैसे मोबाइल होल्डर फिक्स करना या डीपी किलर निकालना या कुछ भी, मैं पहले ही तुरंत विजय को फ़ोन करती हूँ और ये बंदा घर पे आके बाइक लेकर जाता है, बना के वापस ला के देता है। तो मैंने आज जो करवाया है ये है बाइक डिटेलिंग, क्योंकि मुझे एक पूना फेस्ट में जाना था। ये पूना फेस्ट फर्स्ट टाइम हो रहा था, तो मैं पूना में रहती हूँ तो मुझे जाना चाहिए। और यस, आई वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड, तो मैं निकल पड़ी। तो जो लोग ऑलरेडी ये रूट्स को जानते हैं वो ये जानते ज़रूर है कि मैं कहाँ रहती हूँ इस वीडियो को देखकर। तो अगर आपको पता है कोई अच्छा गैरेज गाय, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर आपको विजय का नंबर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उनका नंबर देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सुपर बाइक्स हो, ये हर एक सेगमेंट इंडियन बाइक्स, कोई भी बाइक को रिपेयर कर सकता है। और ही इज़ वेरी गुड, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। सो यस, यू कैन ट्रस्ट हिम टोटली, जिस तरह से मैं ट्रस्ट करती हूँ, बिकॉज मैंने आज तक, और फन फैक्ट ये है कि मैंने आज तक होंडा बिग विंग में मेरी खुद की बाइक की फर्स्ट सर्विसिंग भी नहीं करवाई है। इट्स जस्ट दैट आई हैव सच गुड गैरेज गाय, ही इज़ देयर, गणेश इज़ देयर, देयर आर टू पीपल हु आई कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली फॉर। तो आप कमेंट करके बताइए कि मेरा वॉइस ओवर आपको कैसे लगता है, बिकॉज आई हैव हर्ड कि बहुत लोग बोलते हैं आप व्लॉग्स नहीं डालते हो। जी बिल्कुल, कॉन्टेंट मेरा 3 साल का है मेरे पास GoPro में। इनफैक्ट मेरा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट राइड, जब मैंने इस बाइक पर पहली राइड की थी, तब से लेकर अब तक का, मैं मतलब लिटरली अगर से 100 किलोमीटर्स भी कहीं जाओ तो मैं वो पूरा रिकॉर्ड करती हूँ। बट आदत से मजबूर, धीट हो, लेजी हो बहुत ज़्यादा, और आई एम सो बैड विद एडिटिंग। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो अच्छी एडिटिंग करके दे सकता है, मुझे गाइड कर सकता है कैप कट किस तरह से यूज़ करें, इसके न्यू फीचर्स वगैरह, तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी आवाज़ अच्छी लग रही है, तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो यस, कुछ बहुत अच्छे बाइकर्स मिले और ये एक पूरा का पूरा ग्रुप है। आई कुड से द नॉइस क्रिएटिंग ग्रुप, नो ऑफेंस, आई एम इनफैक्ट फॉलोइंग फ्यू ऑफ देम, और इन्होंने मुझे ऑन द वे कैप्चर भी किया। सो यस, दिस इज नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम जहाँ मैं इन लोगों को मिली हूँ। मैं इनको पहले IBW में भी मिली थी, बट बिकॉज हेलमेट होता है तो हम नहीं पहचान पाते, और ये एक कॉमन चीज़ है, स्पेशली बॉयज़ ये चीज़ करते हैं। अभी तो लड़कियाँ बहुत सारी, मतलब ऐसा हो गया ना कि हर एक सोसाइटी में पूना में एक बाइकर लड़की बन चुकी है। बट दैट इज़ गुड ऑल्सो, एंड बट यू नो व्हेन यू आर वेयरिंग एन हेलमेट आप नहीं पहचान में आते, अनलेस मैं हूँ, यू नो मैं पहचान में आती हूँ बिकॉज ऑफ माय बाइक। माशाल्लाह, थैंक्स टू गॉड, आई हैव अर्न दैट नेम कि मेरी बाइक देख के पहचान जाते हैं कि ये वैल्करी बाइकर है। सो थैंक गॉड टू दैट, एंड थैंक यू ऑल फॉर दैट, क्योंकि इवन अगर मेरे 50K 100K या 1 मिलियन लोग मुझे नहीं देखते हो या फॉलो नहीं करते हो,
बट हर एक स्टेट में मुझे एक बंदा तो जम हो जानता है. सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना, जहाँ आपके पीठ पीछे कोई आपकी तारीफ करे. सो यस, मैं बहुत प्राउड हूँ कि जो भी मेरे फॉलोअर्स है, मेरे सब्सक्राइबर्स है, ये सब मुझे बहुत रिस्पेक्ट भी देते हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, हमेशा फॉलो करते हैं. So yes, it was a successful event. It was a very nice event. यहाँ पर brands भी अच्छे थे और because one of my friends उनका खुद का stall था Moto Fusion, जो मैं कभी कभी promote भी करती हूँ. उनके handmade काफ़ी अच्छे हैं, उनके पास Harley Davidson के सारे parts होते हैं. So मैं उनको भी support करने गई थी और ये जब मैंने bike की entry कर ली. और यस, आप देख सकते हो इट जस्ट टेक्स मी टू एंड अप यू नो सेलिब्रिटी फीलिंग होती है. यस, पीपल वेट फॉर मी एंड दे क्रू गो क्रेजी. अभी ये बाइक सिर्फ खड़ी है और मेरे GoPro ने ये बहुत ही प्यारी चीज कैप्चर की है. सो यस, यू कैन सी आई एम कंप्लीटली सराउंडेड बाय cameras, click everywhere. So yes, that is how beautiful my bike is and also me, obviously. मैं ज़्यादा देर तो नहीं थी इवेंट में, मैं एक घंटा रुकी थी. बट मैंने ठाना था कि मैं हर एक स्टॉल्स में जाऊँगी, हर एक इंसान से बात करूँगी. So yes, this is how I know to take my limelight. थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका कि आपने मेरा व्लॉग देखा. और ये व्लॉग बस स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट व्लॉग में हम और कुछ स्पेशल होने वाला है वो ज़रूर देखेंगे. और मैंने कुछ फन एक्टिविटी ट्राई की इस बार विथ माय GoPro एंड माइक. आई वांटेड टू टेस्ट माय माइक, सो लेट्स सी. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड डू कॉमेंट एंड मोटिवेट मी सो दैट मैं और ब्लॉग्स बनाऊँ. आपके कॉमेंट से मैं मोटिवेट होती हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर कॉमेंट कीजिए. राइड हार्ड एंड राइड सेफ. बाय बाय.